حتوا إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم لمنے بے سر و ساما مدد قبلے دین مدد کعبے ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأ وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس انتہائی علی شان زی شان جشن تحفظ ایمان شہ نشین پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار علماء کے مشائخ اعظام شورائے ذوی الاحترام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اس بڑھیا رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سننی عوام اور دور کہیں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام
अजीब बात है, जब रात जवान थी तो मेहमानों को मौका नहीं मिला, उसे बूढ़ा होने दिया गया। और जितने भी इलाकाई और मकामी उनमें बच्चे भी बड़े भी नातखानों ने खूब महफिल को सजाया, और आप ना चाहते हुए भी जोर जोर से उस वक्त सुभान अल्लाह कह रहे थे, क्योंकि आंख भी खुली थी, दिमाग भी खुला था। फिर जैसे ही रात पे बुढ़ापा आया, हमारे मेहमान नातखानों को और शोरा को मौका मिला, बहुत ज्यादा बूढ़ी हुई, तो फिर हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब न सिर्फ निभाया बल्कि बेहतरीन खिताब सुनाया। उसके बाद जब रात इंतहा दर्जे की बूढ़ी हो गई तो फिर एक शेरो सुखन का दौर चला, और जब इतनी बूढ़ी हो गई कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, इतनी बदसूरत हो गई कि देखने लायक नहीं रही, तब मुझे बैठा लग गया है। अब मैं मानता हूं कि सफेदी यहां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ऐसी बुढ़िया रात थमाई जाए। अब अगर थमा दिया है तो पिथौड़ा वालों हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह करे इस बुढ़िया रात से मेरा निभा हो जाए, ताकि रात ढलती रहे बात चलती रहे। इस वक्त तो हंसना भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्यों? सुनना सुनाना तो बड़ी बात है। आज मैं कह रहा था कयामगा पे कि 12 बजे रात के बाद अब सिर्फ बिहार में, बंगाल में, पूरे बंगाल में भी, लेकिन जो बिहार से टच है, उड़ीसा में और आपके झारखंड में 12 बजे रात के बाद भी जलसा होगा। बाकी जहां परमिशन मिल भी जाए वहां भी 12 के बाद नहीं होता है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग जाग के सुनते हैं, लेकिन वही रवायती अंदाज की आंखें खुली हैं, दिमाग सो रहा है। और बड़ी मुश्किल से हाथ उठाना तो दूर की बात है, सुभान अल्लाह कहना भी मुश्किल होता है। तो सिर्फ आजमाइश में मैं नहीं, आप मुझसे ज्यादा आजमाइश में आप। और आज मैं चाहता हूं कि अगर ये चैलेंज मिला है तो सुन्नियों आज ऐसा सुन लो, ऐसा सुन लो कि अगर आसपास से कोई उधर से आया हो तो देख के हैरत में पड़ जाए और कहे वाह, जब जब ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। माशाल्लाह कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, और ये जो रौनक, ये बज़्मा, और ये जो भी 2 बज रहा है और जलसा इस तरह से सजा है, ये इन बच्चों की, नौजवानों की मेहनत है। मैं समीम कल्ब से इनके लिए दुआ करता हूं कि मौला करीम इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, आमीन, और आप सबको सलामत रखे, आमीन। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, और मुझे पूरा अंदाजा है कि नाच भी काफी हो गई जी। मगर ये जो तराई इलाका है इंडिया का, नेपाल से सटा हुआ, यहां से चले जाइए आप यूपी में बहराइच तक, और इधर आप सीमांचल, यहां लोग बात से ज्यादा नाते ही सुनते हैं। ये जो तराई इलाका जी, मैं भी हुजूर का एक अदना सा नाता, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 शेर, क्योंकि ये पहला मौका है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में हाजिर हूं। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह, सुन के समझते किस तरह, और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह। इसलिए बात से पहले 2-3 शेर नाद अर्ज कर दूं, उसी में मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपके सुनने का ढंग कैसा है। मैं रात का मौलवी जरूर हूं, लेकिन सूरज निकलते ही मैं पीर हो जाता हूं, और हर समझदार पीर जो है वो शीरनी देख के ही फातिहा करता है। हाँ, तो जैसी आपकी सिन्नी होगी वैसे ही मेरा फातिहा होगा। तो सुनने का आप हक अदा करो तो इंशाल्लाह सुनाने का मैं करूं। आइए इससे पहले
कि नात के अशआर नज़्र करूं झूम झूम कर बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में हदीए दुरूद पेश करने पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नज़र कर रहा हूं, देखिएगा इस कलाम मैंने कई साल पहले बिल्कुल गुंबदे खजरा के सामने बैठ के लिखा था। इसी से सिलसिला शुरू करूंगा। मैंने लहजा इसका तरन्नुम बदल दिया, पहले खालिस हिंदुस्तानी था, अब खालिस पाकिस्तानी था। मगर आप घबराइएगा नहीं, तरन्नुम पाकिस्तानी है लेकिन लहजा हिंदुस्तानी और जबान नूरानी थी। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो समझने में आसानी होती है। और एक चटपटी बात उलमाए किराम को मैं दाद देता हूँ, माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हैं और सुनने का हक अदा कर रहे हैं। चटपटी बात कि जब आपको समझने में आसानी हो तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी। वाह वाह वाह। आइए झूम के एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर कर रहा हूँ कि भीख पाते हैं जहां, भीख पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। वाह 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 वाह। भीख पाते हैं जहां लोग वो दर पाते हैं, भीख पाते हैं जहां लोग मुदर आपका है। सबको मिल जाए पना, सबको मिल जाए पना ही वो नगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम हजरत ताजुल इस्लाम, नारे तकबीर। सबको मिल जाए पना ही वो नगर आपका है। शेर देखिएगा दानिश अनवर साहब माशाल्लाह इंतहाई दानिश निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, पहला शेर है कि काबतुल्ला चले, काबतुल्ला से चले साथ में जिब्रील अमीन। काबतुल्ला से चले साथ में जिब्रील अमीन, बाद सिदरा के हुआ, बाद सिदरा के जो सफर आपका है। सबको मिल जाए पना ही वो नगर आपका है। और ये शेर बतौर खास है, कलाम शेर है, तवज्जो के साथ तैयार है आप लोग, दोनों हाथों को लहरा के कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है, अरे हुस्न जन्नत का जन्नत का तो रन है उसी पैकर का। अरे हुस्न यूसुफ में नजर आता असर दार तकबीर, दार रिसाल शहजादे गाजी मिल्लत
हजरत सैयद मौरानी अशरफ अशरफी उल जिलानी फैजाने अहले बैत फैजाने मखदूमे सबना नारे तकबीर। बड़ा अच्छा कलाम उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में नजर किया, पेश किया, बस उस कैफियत को दिलो दिमाग में बनाए रखें और ये देखें ये शेर अगर पसंद आ जाए तो जरूर दुआ दीजिएगा। तैयार किन्ने मत रख के कर कर के खिला ए जो घर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 कर कर के खिला ए जो वो घर आ सबको मिल जाए पना अभी करबल करबल से आले रसूल सुना आइए उसी रंग में ये शेर देखिएगा कि दीन के वास्ते हजरत ताजुल उलमा नारे तकबीर नारे रिसालत अपनी आदत और हुजूर अकल वालों अकल वालों अकल वालों गालियां सुन के दुआ देना हुनर आ सबको मिल जाए पना हे वो नगर और इतने शेर मैंने लिखा था तब तक वो एक मतौआ आया उसने मुझे गुस्सा दिया और जहां मैं बैठे दिख रहा था उठा दिया। अब ये था कि क्या करें मख्ता ही नहीं रहा था कि मख्ता भी कहीं सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने गया यकीन सुनहरी जाली पे नजर कर वहीं सामने से ऐसा लगा जैसे हुजूर ने ये मख्ता दिया। समझ लीजिएगा दुआ है कि अपनी कमली में अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझे
को अपनी कमली में छुपा लीजिए मुझको नूर माना के गुनाहगार मगर شہزادہ غازی ملت فیضان حضور محدث اعظم ہند اپنی کملی میں چھپا لیجیے آقا مجھ کو نور مانا کے گنہگار نور مانا کے گنہگار مگر اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم without any further delay because we already got delayed from our scheduled time भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब चैलेंज ये है कि आपको बातों को पिकअप करना है और मुझे समय को मेकअप करना है। उन्वान बहुत अच्छा आप लोगों ने रखा था, पुजे ईमान दिल में ख्याल आया था कि कुछ एकेडमिक बुद्धिजीवियों के लिए इंटेलेक्चुअल्स के लिए ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, मगर उसके लिए 10 या 11 बजे का समय बहुत ही अनुकूल। ये तो बस सुनाने का नहीं, जलसे को चलाने का है। कितना अच्छा, इसलिए मैंने मौजू को चेंज किया और एक दूसरे जाविये से ईमान के तहफ्फुज़ की बात, जो चच्चा तो चच्चा गौर से सुना तो बच्चा भी समझ जाएगा। आइए पहले तर्जमा समझें जिस आए मुबारक को मैंने आज के लिए सरनामे बयान बनाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे पकड़े सब मिलकर जमीया किसको अल्लाह की रस्सी को। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिलसिला आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना ही मकसूद नहीं होता बल्कि बलागत यह है कि इस तरह से पकड़ो ऐसा मजबूत कि अगर कोई छुड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी नहीं छूटे। इतनी सब मिलके पकड़े वला तफरकु और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा ये सब मत करो, ग्रुपिंग मत करो, गुट बंदी नहीं। और वैसे भी इस्लाम में किसी किस्म की बंदी की कोई गुंजाइश बेशक इस्लाम में न गुट बंदी है न फिरका बंदी है न चक बंदी है न नस बंदी है और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। वाह वाह ग्रुपिंग मत करो, अल्लाह की रस्सी को सब लोग मिलके क्या करो मजबूती से थामे रहो पकड़े रहो। वद्गुरु नियमत अल्लाही अलैकुम और याद करो अल्लाह की उस नियमत को जो उसने तुम सब पर की। नेमतों का आलम यह है कि अगर हम गिने कि क्या क्या नेमत हम पर अल्लाह ने बरसाई है, यकीन जानो बचपन से चलकर पचपन तक पहुंच जाओगे काउंटिंग पूरी नहीं बेशक, बल्कि मेरा दावा है कि पचपन से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे गिनती पूरी नहीं होगी। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ अल्लाह यू कैन नेवर एवर नस्लें गुजर जाएंगी। इतनी उसने दया हम पर की
लेकिन यह है खास नेमत का जिक्र। याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। तवज्जो चाहूंगा, किस नेमत? इज़ कुंतुम आदा, कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। क्या थे? दुश्मन, शत्रु थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन थे। فألف بين قلوبكم, तो अल्लाह ताला ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्यार अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह, शत्रुता मित्रता में बदल गई। फिर रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला? فأصبحتم بنعمته إخوانا, तो वो दिन भी आया कि तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। और ये तब मुमकिन हुआ जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। यकीन जाने, अगर हाथ में अल्लाह की रस्सी है, कोई भी दौर हो, कैसी भी जमात हो, न कोई आपको भटका सकता है, न बहका सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह की रस्सी को देखा है आपने? ईमानदारी से बताना, जो भी दिमाग में आवे जवाब। देखा है किसी ने? अगर आपने ये दावा किया कि मैंने देखा भी है और पकड़ा भी है, तो आपको वो कब्जा मानना पड़ेगा जिसमें रस्सी फिट है। और वो कब्जा माना तो वो कांधा भी मानना पड़ेगा जिसमें हाथ फिट है। कांधा माना तो सीना भी मानो जिसमें कांधा फिट है। सीना माना तो पांव भी मानो जिसपे सीना टिका है। चले ले खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। क्या समझे आप कि जब हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते, तो फिर उसकी रस्सी को कैसे? और जब देखोगे नहीं तो पकड़ोगे क्या? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? और हुक्म है अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का। तो आओ मुफस्सिरीन की बारगाह में हाजिर। सूफिया किराम फरमाते हैं, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हुवल कुरआनुल करीम, वो अल्लाह की किताब है जो ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैही वला मिन खल्फ। अल्लाह की किताब यानी कुरान है। जिसने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, थाम लिया, वो यहाँ भी कामयाब हो गया, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह। मैं इस चैप्टर को, ये कुरान बात के लिए रखता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। बाद में कहा हदीस, बातें चल रही थी, सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक दिन डायरेक्ट हुजूर से पूछा, अभी अंता व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अल्लाह के रसूल बताइए अल्लाह की रस्सी है कौन है जिसे हम थाम ले तो कयामत तक हम भटक नहीं सकते? क्योंकि कुरान में तो है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। इसी कुरान कुरान पाक जो समझ गया और समझ के डाइजेस्ट कर गया वो तो कामयाब हो गया, और जो नहीं समझ पाया वो वही कुरान पढ़ के भटक भी गया। तो चांस है, इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन? तो ऐ मुजफ्फरपुर के कुर्बो जवार के गयूर मुसलमान, अब मैं सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूँ क्योंकि किसी गली में जाने का मौका नहीं है, समय नहीं, जुमला जायाना हो, तैयार है ना? सरा शान रिसालत मुस्तफा देखो कि चचा जान भाई ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन, तो हुजूर फरमाते हैं वल्लजी नफ्स मुहम्मद बियदी, कसम है मुझे उस रब की इज्जत जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। ऐ लोगो, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हब्लुल्लाह हब्लु ममदूद मिन अल अर्द इलस समा, अल्लाह की रस्सी मैं हूं जो जमीन से आसमान तक कर। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए
خوف اللہ، میں اللہ کی رسی ہوں، سرکار نے فرمایا جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی، مطلب صاف ہے، گویا حضور فرما رہے ہیں اے لوگوں میں رسول اللہ بھی ہوں حبل اللہ بھی، رسول اللہ بھی ہوں حبل اللہ بھی۔ اب اس کو اس بوڑھی رات میں اگر اور اسپیسیفائی کیا جائے، کلیئر کیا جائے، تو میں ایک ایسی مثال دے دوں کہ آپ کی نیند بھی غائب ہو جائے۔ یہ بتائیے، ہم سب یہاں آئے ہیں اور ہمارا ایک ہی اپدیش ہے اس دنیا میں آنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ سمپل سی بات، وی آل بورن ان دس ورلڈ، why to just please of please almighty allah, bas allah razi ho jaye, wo razi ho gaya to samajh jao ki chahe puri duniya naraz rahe farak nahi padta। beshak problem ye hai ki hum allah ko razi kaise kare, वो अनंत है हमारा अंत है, वो असीमित है हम सीमित हैं, वो निराकार है हमारा, वो विश्वव्यापी है, वो बनाने वाला हम बनने वाले, वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह, सो हाउ कुड यू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह। एक मुरीद आया, उसने दिल में ये ख्याल किया दानिश जी कि पीर साहब आए हैं कि जमशा शरीफ से, तो चलो इनको इनकी ऐसी सेवा करें कि ये राजी हो जाए। हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं कि मुझे राजी किया जाए, लेकिन मेरा मुरीद था अकीदतमंद, तो उसने घर में खाना बनाया, चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, बिरयानी, अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस लाजवाब अति स्वादिष्ट व्यंजन, बट आई कुडंट एंजॉय, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक, मुझे क्या पसंद है सच्ची बात बताऊं, जो लोग कचौचा शरीफ आते जाते हैं उनको हम सबकी पसंद पता है, हम लोगों को सादी दाल पसंद है, सादा चावल पसंद है, सादी रोटी पसंद है, सादी सादी हरी हरी सब्जी पसंद है, खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब वो मुचर्रर मुरखन एकदम शुरवेदार खा तो लिया, लेकिन पेट भर के नहीं, क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं था। क्या संदेश मिसाल से इस उदाहरण से कुछ समझ में आया? बिला तशरीह तवज्जो चाहूंगा, जिस मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान रहमान को राजी करना है तो रहमान की पसंद जानना जरूरी। मसला यहाँ के अटक रहा है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने, How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like, उसे पसंद क्या, कैसे जाने? उसने हमें पांच इंद्रियां दी, हवा से खमसा, फाइव सोर्सेस ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि गुलाबी है, देखा तो पता चला, ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला, ये आवाज मर्द की है या औरत की सुना तो पता चला, ये खाना ये बिरयानी जो है लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है कि बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला, ऐसे ही ये माइक कड़ा है कि मुलायम, ठंडा है कि गरम, छुआ तो पता चला। सो दीज आर द फाइव सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये पंच इंद्रियां हैं। हालांकि फलासफा अक्ल को भी मानते हैं, मगर वो नहीं बयान कर रहा हूँ क्योंकि वो मदरसे में ढाई बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब ढाई बजे रात में क्या समझेंगे। तो आइए जितना समझ सकते हैं पंच इंद्रियां, ये हवा से खमसा जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? बोलिए, सुन सकते हो?
चट सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, नहीं तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उसकी पसंद कैसे? क्योंकि जब तक पसंद जानोगे नहीं तब तक उसे पहचानोगे नहीं, और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। पसंद कैसे जाए? हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। यही मसला हमारे मेजबान के सामने आया मुरीद के। खाना तो मेरी पसंद का बनाना चाहता था मगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, टेलीफोन नंबर तक नहीं था। क्या करें, किसके पास जाएं, किसकी पनाह में जाएं? तब तक जो है वो नकीबे इजलास दानिश अनवर साहब के पास आया। कहा, आप लोगों ने तो हजरत के साथ बहुत दौरा किया होगा, जलसा किया होगा, कल पीर साहब की दावत है, बताइए क्या बना? इन्होंने थका थका कि हजरत को खुश करना है तो बहुत ज्यादा महंगी दावत करने की जरूरत नहीं, 200 रुपये हो जाएगा। क्या सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, खाना सादा सादा बनाओ। उसने सादा सादा बनाया, मैंने सादा सादा खाया, मैं चक्कर में पड़ गया। बंदे को मेरी पसंद किसने बताया? मेरा तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। तब तक आवाज आई, हमारे नकीब साहब ने बताया। हमने कहा इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये मुझसे करीब है। मुझसे क्यों? क्योंकि जो करीब होता, लग रहे समझ में आ गया, जो करीब होता है वही हबीब, और जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तश्बीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चुनांचे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डायरेक्ट नहीं जान सकता, रस्सी को पकड़। आए, 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 रस्सी को पकड़, मेरे दामन को पकड़। मैं अल्लाह का हबीब हूँ, उससे बहुत करीब हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। एक हुजूर ने फरमाया, शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जिना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखा मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का माल ना हक मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी को गाली मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इबादत करना है तो अपनी पूजा, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं से पे आधारित चीजों को ना फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लातो मुनातो उज्जा हुबल को सर से उठा के मत चलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। अरे करके तो देखो, जब तुम ऐसा करोगे तो इबादत खुदा की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तैयार हैं आप लोग? मतलब साफ, गोया नबी फरमा रहे हैं कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो रस्सी को थामो, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो, यही तुझे मुत्तहिद भी रखेगी, तेरे ईमान की हिफाजत भी करेगी। क्योंकि जो मेरे पास है वो सब कुछ खुदा का है। यहाँ जो खुदा का है वो मुस्तफा का है, न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तभी तो आला हजरत असीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा। is
ताजुल उलमा नारे तकबीर नारे रिसालत वाह 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 सुभान अल्लाह। चलिए एक आसान सी मिसाल देके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीनेजर्स भी हैं 18, 16, 15, बिल्कुल साइंटिफिकली इस चीज को जरा सा समझिए। तैयार है? 3 बजने वाला माशाल्लाह, लेकिन चेहरा देख के आप लोगों का नहीं लग रहा, 11 बज गया जी। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। बताइए कई उंगली है? माशाल्लाह, तीनों अपने हजम में, साइज में, अपनी सूरत जिस्मिया में, अपने हयूला में बराबर है। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है, जो उससे छोटी है वो सब बीच में है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे नीचे। ठीक है ना? इन तीनों में खास बात ये है, तवज्जो से देखिएगा, ये तीनों एक दूसरे से यू कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं और अलग हो जाती हैं, मिलती हैं अलग हो जाती हैं। इसमें ये जो बीच वाली है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बीच वाली, इसका कनेक्शन ड्यूअल, ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से भी कनेक्ट। हाँ हाँ है, माशाल्लाह, सिर्फ कमेटी ही वाले समझदार लग रहे हैं, आप लोग समझे नहीं, कैच किया? ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से, दोनों से बारी बारी भी हो सकती है, और अगर चाहे तो दोनों से एक साथ भी हो सकती है। हाँ, ये जो नीचे वाली है, अगर ये चाहे कि मैं उछल कर, कूद कर, छलांग लगा कर, ओवरटेक करके ऊपर वाली से कनेक्ट हो जाऊं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। बस समझ आ रही है? मतलब साफ, अल्लाह ऊपर नीचे से पास। ये हम लोग अपनी जबान में कहते हैं, ऊपर वाला चाहेगा ऐसा ना कहा, अइनमा तुवल्लू फसम, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चीज से पाक है, जहत से पाक, हुदूद से पाक, सीमाओं से पाक, वो तो अनलिमिटेड है, असीमित है, अनंत है, निराकार है, विश्वव्यापी है। तो मैं ऊपर नीचे की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिला तश्बीह, तवज्जो है, खुदाए बुजुर्गो बरतर, खुदाए बुजुर्गो बरतर, उंगली देखते रहिए, नीचे वालों की हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। अल्लाह कह रही है भेजा, आपके भेजे तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। खुदाए बुजुर्गो बरतर, नीचे वालों के मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा, बीच में, ताकि सब समझ जाए कि मुस्तफा तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो, बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप न रब की तरह हो न सब की। सुभान अल्लाह, आप ना रब की तरह हो और ना कैच करते रहो न सब की तरह हो, गोया बीच में रखकर रब ताला ये फरमा रहा हो कि ए महबूब, मैंने तुझे बीच की कड़ी भी बनाया, रसूलुल्लाह भी बनाया, हब्दुल्लाह भी बनाया, बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो, कुरान मुझसे लो बंदों को दो, इस्लाम मुझसे लो बंदों को दो, ज़ाते अखलाक मुझसे लो बंदों को दो, जीवन का संविधान मुझसे लो बंदों को दो, तरसे हयात मुझसे लो बंदों को दो, कुरान का निजाम मुझसे लो बंदों को दो, जाहो जलाल मुझसे लो बंदों को दो, फजलो कमाल मुझसे लो बंदों को दो, हुस्नो जमाल मुझसे लो बंदों को दो, जूजो नवाल मुझसे लो बंदों को दो, इसीलिए तो बीच में रखा ताकि नेमतें मुझसे लो बंदों को दो, बरकतें मुझसे लो बंदों को दो, रिफातें मुझसे लो बंदों को दो, शफ़ातें मुझसे लो बंदों को दो। हमने फरमा रहा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सर जमीने में छोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप
हो जो चाहे वो मुझसे लेते। अरे मेरे बंदो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे महबूब से लेते रहो, क्योंकि मैं अनंत हूँ, असीमित हूँ, निराकार हूँ, विश्वव्यापी हूँ, बनाने वाला हूँ। महबूब से मांगो, क्योंकि जो महबूब देंगे वो मेरी ही चीजें देंगे। माता कबूल रसूल फखो को वमाना हकमान हूँ संतो हूँ। नबी जो दे दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे पास आ जाओ। तभी तो हमारे इमाम ने मचाचा इस अकीदे को यूं बयान किया कि वही रब है जिसने तुझको कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने आला हजरत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। एक रुख ये भी है और एक रुख और है बड़ा प्यारा। शोहदाए तकरीबन जब एक साल हो गए थे मुकम्मल, तो हुजूर अपने चचा जान सैयद शोहदा अमीर हमदा रजी अल्लाह तआला की कब्र की जियारत के लिए शोहदाए ओहद के कब्रिस्तान गए। ये कब्रिस्तान जाना बिदअत नहीं, सुन्नत है। और ये वो सुन्नत है जो वो सऊदी मुतव्वे भी मना नहीं कर पाते। क्या करें, हदीस अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीस कैसे छोड़े। तफसील में जाने का मौका नहीं है। उस मौके पे हुजूर ने खुतबा दिया था उहद के कब्रिस्तान और एक बात कही थी और वो जुमला जो वो हिस्सा बुखारी में भी है मुस्लिम में भी यानी मुत्तफक अलैह। सरकार ने अपने चाहने वालों से सहाबा से कहा, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने वाला हूं। एक पर्दा, सारे पर्दे उड़ जाएं तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। बस एक पर्दा। तो हजरत सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, ये सब झूम गए कि आज क्या होने वाला है। सरकार ने अपना दाहिना हाथ, इन्नहु रफा यदहु अल्युम्ना थुम्मा काल वल्लजी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिह। हुजूर ने हाथ उठाया और कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान। फरमाते हैं सरकार, बेमफाती खजाइन अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। सुभान अल्लाह। आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? ठीक है, चाबी। ये जो मैं तमाम 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 तर्जमा कर रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं। उलमा जानते हैं कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ तो उसमें तमामियत का माना और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल फाइनल जमा और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा। यानी रूए जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में हो। समझ में आया? जैसे कोई पानी पिए और पानी पीने के बाद गिलास पलटे और दो तीन बूंद उसमें से टपक जाए तो आदमी कहेगा पानी तो हजरत आपने पिया मगर तमाम नहीं क्योंकि दो तीन बूंद टपक तमाम नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा पिए कि जबान से गिलास का अंदर का जो जिसमें हावी और जिसमें महवी दोनों चाट जाए बिल्कुल जबान से एक बूंद में गिर तो कहेंगे हाँ आपने तो ऐसा पानी पिया कि ये बूंद में टपका तमाम वही तमाम वाला माना। सरकार फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे तमाम जमीन तमाम खजानों तमाम चाबियां दे दी। मतलब जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बदलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सियादतो करामतो शराफतो नजाबतो हिदायतो रिसालतो नबुवत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, तमाम नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, गोया चाबी रख कर। देखो सूफियों की बात सुनो, सूफिया किराम के नतीजे निकालने से फरमाते गोया चाबी महबूब के हाथ पर रख कर, गोया रबी फरमा रहा
कि ऐ मेरे प्यारे ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जैसी सी जरूरत होती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो निकाल के खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ईसार की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाह की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो अदल और मीज़ान की चाबी दे दी, शुआब को जरूरत पड़ी तो क़िस्तास की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र और इस्तिक़लाल की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो गुब्री उलकमा वल अबरसा वहयिल मौता बेइज़्निल्लाह की चाबी दे दी, मगर ए महबूब अब तो आपका नूरे लिबासे बशरी में आ चुका है, अब तो मानव रूप धारण कर चुका है, इसलिए ये अमानत है मैं आपको लौटा रहा हूँ, अब इधर मैं तू इधर आप। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस सर जमीने में थोड़ा, नारे तकबीर, सारी नेमतों की चाबी तवज्जो दस्ते महबूब में रख, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बा और दस्तार ओढ़कर मुस्तफा बांट रहे हैं सदाकत सिद्दीक पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जब नबी की नजर उन पे पड़ी तो निकाल के सदाकत की चाबी दे दी, उमर को देखा तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को देखा तो सखावत की चाबी दे दी, अली को देखा तो करामत की चाबी दे दी, मेरे नबी अपने एक बेटे हसन को जब कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम, शहीदे आजम फैजाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइडियोलॉजी को ज़हन में रखना, नबी की नजर ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो इबादत की चाबी दी, मोहम्मद बाकर पे पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी, मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आसीन अनिल नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जूद और सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी, हसन अल अस्करी पे पड़ी तो गजा और शजा दे दी, तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे नबी की नजर अब हम बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे किंदीले नूरानी महबूब सुभानी खुदबे समदानी शाहबाज़े लामकानी जद्दोना अबू मोहम्मद मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़ी कि मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतर आत्मा कहती कि सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर पर रखकर यही फरमाया होगा, बेटा मदीने से मैं बांटू बगदाद से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, बारगाहे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्लियर हुआ, हबलुल्लाह हुआ मुहम्मद रसूल, अल्लाह की रसी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूं कि इस आयत का जरा सा एक पसे मंजर भी बयान कर दूं, और अगर इसी तरह सुनेंगे तो फिर मैं भी जल्दी हटने वाला, मेरी कोई ट्रेन नहीं है पानी, कल इंशाल्लाह सीतामढ़ी और उसके बाद फिर अपनी गढ़ी चल की तरफ लौट जाएंगे। तैयार है ना? बिल्कुल हौसले के साथ देखिए, अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आमीन। ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता है,
जो चाहूंगा तस्वीर का ये रुख देखिए इस आयत के सबबे नुज़ूल शाने ईमानदारी से बताइए आपके पिथौड़ा में अगर पिथौड़ा तो राजस्थान मैं थोड़ा है ज्यादा नहीं मैं लेकिन आज तो आप ज्यादा लग रहे हैं बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए अच्छे दिन बहुत जल्दी आने हैं इंशाल्लाह तैयार हैं अगर आपके कोई पुंडचेरी से आ जाए लक्षद्वीप अंडमान निकोबार और आकर के एक साल में यहाँ अपना व्यवसाय ऐसा बनाए कि एक ही साल में करोड़पति हो जाए क्या हो जाए तो आपके मन में थोड़ा आएगा यार हम यहीं पैदा हुए यहीं जवान हुए यहीं शादी किया मैं सिर्फ पति हूँ और ये करोड़पति अरे मुस्कुरा दीजिए इसमें कोई जीएसटी नहीं मैं सिर्फ पति का पति रह गया ये बाहर से आया विधि नहीं ये बिकेम मिलिया ना हाउ इट कुड बी पॉसिबल ये कैसे ये आपके मन में क्यों आया ये ख्याल ये इसलिए आया कि जो करोड़पति बना था वो परदेसी है कौन है दोस्तों परदेसी आपके मुजफ्फरपुर जिले का आसपास का अगर कोई करोड़पति नहीं खरबपति हो जाएगा आपके सर पे जू भी नहीं रहेगी अपना ये जो इलाकाइयत होती है ना इसको कहते हैं रेसिज्म ज्योग्राफिकल रेसिज्म इस टाइप की चीजें इंसान को जो है वो बड़ा रेसिस्ट बना देती है मैं आपको यकीन दिलाता हूं मुजफ्फरपुर मेरे आका के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ फीलिंग महाजरीन ने मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले मोहब्बत की ऐसी ऐसा एटमॉस्फेयर कभी इस नील गगन ने भी नहीं देखा तो कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है कि इतना लोग एक क्यों इन्हें लड़ाओ ये जब लड़ेंगे तभी तो हम खाएंगे डिवाइड एंड रूल फूट डालो फिरका बंदी करो इनको आपस में टकराओ और ये प्लानिंग कौन कर रहे थे ये कुछ मुनाफिकीन मदीना थे कुछ बनी कैनका और बनू कुरैज़ा के कुछ यहूदी थे उनके साथ मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे थे यार ट्राई इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो लड़ाओ इन्हें इधर ये लड़ाने को ट्राई कर रहे हैं देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं उधर मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे सरकार ने फरमाया अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो ठीक है तुम अपना जोर आजमाओ खुदा का नबी अपना जोर आजमाओ तो तबूक जाने की तैयारी थी मौला अली को मदीना उनके हवाले किया जा चुका था कि हुजूर ने तबूक जाने से पहले एक मजमा इकट्ठा किया जैसे आज मैं थोड़ा यहाँ तो थोड़ा है वहां बहुत ज्यादा और सारे सहाबा को और ये हदीस बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है तिर्मिजी में भी है इब्ने माजा में भी है अबू दाऊद में भी है नसई में भी है न जाने कितनी हदीस की किताब खबीस से खबीस आदमी भी इस पोजीशन में नहीं कि इस हदीस का इनकार कर सके आपने भी सुना होगा अहदे मुआखात भाईचारे का आपस में एका बनाए रखने के लिए हुजूर ने सबको जमा किया जिसे हम जलसे मुआखात कहते हैं भाईचारे सबको इकट्ठा कर सरकार ने बहुत खूबसूरत एक खुतबा दिया और उसमें कहा देखो निकाल दो सारे किले आज से किसी के ताल्लुक से न कोई गिला हो न कोई शिकायत हो न कोई नीमा नमीमा हो न किसी किस्म का कीना हो न बदगुमानी हो आज से तुम न अरबी हो न अजमी हो न हिंदी हो न रूमी हो न शामी हो बस सब मिलकर अल्लाह की रस्सी थाम लो और एक दूसरे को गले लगा कर अपना भाई सुभान अल्लाह एक दूसरे को गले लगा कर भाई बना थोड़ा इस नील का ऐसा जाजिब मंजर ना देखा
हर सहाबी एक दूसरे को गले मिल मिल के अपना भाई बना रहा। अरे उस वक्त जन्नती हूरें चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जब सिद्दीक अकबर ने गले लगा के अपना भाई मुलाकात हो रही है। मौला अली वहां नहीं थे, इन्हीं बस क्राई रो रहे। एक सहाबी रसूल ने हजरत अली को रोते हुए देखा, अर्ज किया मालक, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो आए बारगाह रिसालत में अर्ज किया हजरत अबू जर गफारी गाली अर्ज किया सरकार से कि इन्ना अलियन यबकी, ए अल्लाह के रसूल अली रो रहे हैं। रो रहे हैं क्यों रो रहे हैं? यकीन जानो अगर आज का मुरीद होता ना तो सारी वजह बता देता, शायद इसलिए रो रहे हो, शायद उसलिए रो रहे हो, आपने यहाँ नहीं बुलाया इसलिए रो रहे हैं, वगैरह वगैरह मसाला मिर्च बहुत लगाते हैं। सहाबी कितने सच्चे होते, अल्लाह जितना देखते थे उतना ही अपनी तरफ से कुछ मिक्स करते। कहो तो आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। अच्छा ये बात है, बुलाओ मेरे भाई अली। वो अली अल्लाह अकबर, मुझे देखना है कि कैसा है हैदरी रंगना। वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से जुम्बिश अंगुष्ट से बाबे खैबर उछल कर छटक जाए। जब नबी ने अली को बुलाया तो अली खुद लर्जीदा कदमों के साथ कांपते थरथराते हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया मालिक या अखी क्या हुआ तुझे, लिमादा तब की क्यों रो रहे हो? तो अली ने अर्ज किया हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूं कि बस ये सोच कर कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं इस महफिल में आऊं, मैं ये सोच के रो रहा हूं इतना खूबसूरत अवसर मैंने छोड़ दिया, काश मैं भी आता किसी को गले ले ले अपना भाई बनाकर, आपने सादत से महरूम कर दिया आका, बस इसीलिए रो रहा हूं। ऐ मैं थोड़ा वालों जरा शान हैदरी देखो, इतना सुनना था। हुजूर मिंबर पे बैठे खड़े हो गए, फरमाते हैं मैंने सबको गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? बकाई को गले नफसी मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बंद कुंतो मौला, बंद कुंतो अखर तो कलेन अली मैंने तुझे बुलाने में देरी की अपने लिए, मैंने सोचा कि जब सब गले मिल के एक दूसरे को भाई बनाए तब मैं तुझे बुलाऊं। तवज्जो चाहूंगा नतीजे में देखिएगा, तब मैं तुझे बुलाऊं गले से लगाऊं अपना भाई बनाऊं। अली सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तू तो मेरा ऐसा भाई है अंदा आखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई वहां। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, यहां भी मेरा भाई और सुन मैं तबूक तुझे जा रहा हूं, तुझे छोड़ के रो मत। इसी हदीस का हिस्सा है, अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबी मिन बादी, ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे 40 दिन के चिल्ले وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 40 رات کے لیے گئے تھے لیکن 40 رات میں شیطان کا ایسا بہکاوا ہوا کہ پوری امت بچھڑے کی پجارن بن گئی اللہ اپنے نبی سے
चालीस दिन कई दिन दूर रही, जोर से बोलो, केवल चालीस दिन। जब हारून के हवाले उम्मत की मूसा ने, तो चालीस दिन में उम्मत भटक गई। मगर जरा शान हैदरी देखो कि जब नबी ने अपनी उम्मत अली के हवाले की, तो आज 1500 साल हो गए हैं। कहीं अली का जलवा तो कहीं नए अली नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मन कुत्तो बाला मन कुत्तो बाला फैजाने अहले बैत फैजाने अहले बैत हजरते ताजुल उलमा नारे तकबीर नारे रिसालत। आखिरी बस समय बहुत हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक का तो नाम सुना है रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम, बेशक सुभान। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, पर पोता भी इमाम। एक दिन उनसे किसी मुरीद ने पूछा, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन? मन हूं। वो सहाबा तो किस्मत वाले थे जिन्होंने दामन मुस्तफा थाम दिया। हम क्या करें इधर मेरी तरफ, what we should do, हमें क्या करना चाहिए, कौन? तो जैसे आज ऐसे ही जुमेरात का दिन, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, सवाल बड़ा अच्छा है, कल जुमा में नाना जान के मेंबर से मैं इसका जवाब, और खुतबे के लिए इमाम जाफर सादिक खड़े हुए। पहले अपने रब की हमद बयान की, फिर नबी के फजाइल बयान किए, फिर कुछ कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते फरमाया, सअल साइल अन हबलिल्लाह फअकूल लकुम या माशर मुस्लिमीन वल्लजी नफ्सु जाफर बियदी नहनु हबलुल्लाह हबलुम ममदूद मिन अलअर्द इला समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। इमाम जाफर फरमाते हैं, एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है। ऐ मदीने वालों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है। जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है, देखना है तो कयामत के मैदान में आना, हौजे कौसर पे हौज होगा और रस्सी यानी हम लोग होंगे। गोया इमाम का ये जुमला बता रहा है कि मौला अली का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। तमाम अइमे तहरीर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। कादरियो गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कोई 10 दिन थाम ले तो काम चल जाए, 20 दिन थामे तो काम चल जाए। किसी ने दुआ की, ए अल्लाह सारी जिंदगी थामू। किसी ने कहा कब्र में भी ना छूटे, किसी ने कहा हशर में भी ना छूटे, मगर आशिक सादिक ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब अपना इश्क नामा पेश किया, तो 10 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, 100 साल की बात नहीं, बल्कि जब दामन थामा तो ये कहते हुए कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने मखदूमे सुन्ना नारे तकबीर नारे रिसालत। आज के इस पुरफतन माहौल में नबी के घर वालों से वाबस्ता हो जाओ, ये वाबस्तगी तुझे तेरे सीने से कीना निकाल के सीने में मदीना बसा। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। मैं ना खुद पे और ना आप पे ज्यादा ज्यादती करूंगा, समय अच्छा होता और बोलने के लिए अनुकूल होता तो थोड़ा और भी बोलता। मौला पाक अपनी हिफ्ज व अमान में सबको रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।